ची, चलो आज खाना ढूंढने चलती हूँ। मटर का दाना मिला, डटकर भोजन करूंगी। खाने से पहले नहाना अच्छा होता है, चलो पहले नहा लेती हूँ। पर इस दाने को कहाँ रखूँ? अगर इसे यहीं छोड़ दूँ तो कोई पक्षी इसे उठा लेगा। वो कोई है, उसके पास जाती हूँ। भड़ाई भैया, भड़ाई भैया, जरा मेरी बात तो सुनो। चिड़िया दाना बड़ई के पास रखकर नहाने के लिए चली जाती है और वापस आकर देखती है कि दाना नहीं है। वह बड़ई से कहती है, भाई भैया मेरा दाना कहाँ गया? यहाँ से मैं तुम्हारा नाम धोती हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलती है, तुम्हारा मटर का दाना नहीं खो गया होगा। मेरा दाना तो खो गया, अब लगता है किसी दूसरे पक्षी ने उसे खा लिया होगा। अरे वो सिपाही आ रहे हैं, उनको बताती हूँ सारी बात। सिपाही जी मेरी मदद कीजिए, मेरा मटर का दाना खो गया है। ये बड़े इस मरत पुल की मरम्मत कर रहा था, मैंने उसे देखने के लिए कहा था, पर उसने दाना चुरा लिया या कहीं खो गया। हे चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत मुझे रोके? मेरा काम तो कानून और शांति बनाए रखना है, तुम मरो या जियो मुझे इससे क्या? हट जाओ, मुझे जाने दो। सिपाही तो बहुत खराब आदमी है। अरे वो थानेदार जा रहे हैं, मैं बताती हूँ सारी बात। थानेदार जी रुकिए, थानेदार जी रुकिए, जरा मेरी मदद करो। आप बताओ क्या बात है? मेरा मटर का दाना खो गया है। ए चिड़िया चुप, जानती नहीं मंत्री जी आ गए हैं, मुझे सारे इंतजाम करने हैं। तुम्हारा मटर का दाना हो गया है तो मुझे क्या, मुझे अपना काम करने दो। सिपाही और थानेदार द्वारा फटकार लगाने और सहायता न करने से चिड़िया परेशान हो जाती है और सोचती है, अरे ये कैसा देश है, यहाँ पर कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। चिड़िया को थानेदार द्वारा बताए अनुसार मंत्री जी आते हुए दिखाई देते हैं और वो कहती है, मंत्री जी आ रहे हैं, इनसे कहती हूँ सारी बात। दया करो, मेरा मटर का दाना खो गया, इधर से जितने भी लोग निकल चुके, किसी ने मेरी नहीं सुनी। ए चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है। राजा जी इधर से आएंगे, उनका स्वागत मुझे ही करना है, मैं चलता हूँ। किसी ने तो अच्छे से बात की। मंत्री द्वारा अच्छे से बात करने पर चिड़िया खुश हो जाती है और सोचती है, अब तो राजा जी का इंतजार करती हूँ, वो ही कुछ करेंगे। चिड़िया राजा का इंतजार करने लगती है, तभी उसे राजा अपने हाथी और अंगरक्षक के साथ आते हुए दिखाई देते हैं और चिड़िया राजा से कहती है, राजा जी आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? यहाँ से जितने भी लोग गए, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि छोटी सी चिड़िया उसका रास्ता रोके। वह चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी उसका अंगरक्षक चिड़िया से कहता है, अंगरक्षक के चिल्लाने पर चिड़िया डर जाती है और राजा अंगरक्षक और हाथी के साथ आगे चला जाता है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, भला राजा से बड़ा कौन है? ऐसे राजा के होते हुए मैं नहाने क्यों गई? राजा द्वारा सहायता न करने पर चिड़िया परेशान हो जाती है और उदास खड़ी थी। तभी उधर से निकल रही चींटी की नज़र चिड़िया पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे चिड़िया तुम निराश क्यों बैठी हो? क्या बताऊँ बहन, मेरा मटर का दाना खो गया है, इधर से जितने भी लोग निकल गए, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी।
राजा ने भी मेरी सहायता नहीं की। अच्छा ये बात है बहन, मैं अभी आती हूँ, तुम चिंता मत करो। चींटी हाथी के पास जाती है और उससे कहती है, हाथी तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट लूंगी। दादाजी दादाजी मेरी सुनिए। अरे अब कुछ करना पड़ेगा राजा जी, चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो चींटी मुझे काट लेगी और मैं आपको गिरा दूंगा और आपकी हड्डी बसली टूट जाएगी। हो सकता है आप गिरकर मर जाएं। हाथी की बात सुनके राजा अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो चिड़िया की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो अपने अंगरक्षक से कहते हैं, हाँ राजा जी, मंत्री को बुलाओ। राजा जी अभी बुलाकर लाता हूँ। मंत्री जी आपको राजा जी बुला रहे हैं। जी राजा जी आपने मुझे बुलाया। हाँ मंत्री। मंत्री उस चिड़िया का दाना ढूंढने तुम्हारे कह नहीं। राजा की बात सुनकर मंत्री थानेदार के पास जाते हैं और उसे फटकार लगाते हुए कहते हैं, सुनो थानेदार, ये मंत्री जी, मैं नहीं पता, शांति बनाए रखना हमारा काम है। तुम नहीं जानते सिपाही का पढ़ाई ने क्या किया, जाओ चिड़िया की सहायता करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। मंत्री जी आए थे, मुझ पर बहुत नाराज हो रहे थे, चिड़िया का दाना ढूंढकर लाना जरूरी है। सिपाही थानेदार की बात सुन बड़े के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो बड़े, चिड़िया का दाना ढूंढ कर ला, साथ नाराज है तुझे जेल में डाल देंगे। बड़े सिपाही की बात से डर जाता है और पुल के पास दाने को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नज़र पुल के पास पड़े दाने पर पड़ती है। लो चिड़िया अपना दाना, अब किसी से शिकायत नहीं करना। ठीक है जाओ, नहीं करूंगी शिकायत। भला हो इस चींटी का जिसने मेरी सहायता की, जिसके कारण मेरा दाना मिल गया। अब मैं डटकर भोजन करूंगी, आखिर मेरा दाना मिल ही गया।